तो वालेकुम अस्सलाम अजहर भाई, कैसे हैं आप? रेहान साहब, असफर हुसैन। बिल्कुल जबरदस्त। आप अब्बा प्रोफेसर अजहर के नाम से बने हुए, तो मैंने नाम भी आपको प्रोफेसर अजहर के नाम से ही पुकार दिया। पर बिन अजहर अच्छा, वालिद साहब आपके किस चीज के प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, डाउ मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर। ओ जबरदस्त, तो आपको डॉक्टर नहीं बनाया उन्होंने डंडा करके, सारे सारे चार बड़े बहन भाई बन गए ना डॉक्टर्स, तो आपने पतली गली से निकल गए हैं। बच जाओ। अच्छा, और आज आजकल आप बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई इनक्यूबेटर बना रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और कहाँ बना रहे हैं? जी, आई एम वर्किंग विद कराची यूनिवर्सिटी और इनका इदारा है ICCBS, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। और इसके दो मेन यूनिट्स हैं, एक है HEJ और एक है PCMD। इसको फाउंडर इसके थे सलीमुज्जमा सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सलीमुज्जमा, और फिर पेट्रन इन चीफ इस वक्त हैं डॉक्टर अता रहमान, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर एंड HEC हेड, और इस वक्त डायरेक्टर, करंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर इकबाल चौधरी। तो ये जो अभी बेसिक एक इनिशिएटिव बना है उसका है नाम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर एंड इंडस्ट्रियल पार्क। सही। इस इंडस्ट्रियल पार्क का मकसद ये है कि जो एकेडेमिया और जो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर है इनकी लिंकेज करना है। हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं PhDs रेगुलरली, हर साल हमारे 60+ PhDs प्रोड्यूस होते हैं, और हम ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रग रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी, इन टर्म्स ऑफ बायो इक्विवेलेंस, इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ केमिकल्स, एनालिसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। सो वी आर ऑलरेडी इन लिंक विद द कॉर्पोरेट सेक्टर, लेकिन हम इस वक्त थोड़ा इसको डिफरेंट तरह से देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ रिसर्चर्स का एक 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 वेंचर ऐसा बने जिसमें इंडस्ट्री आए, रिसर्चर्स आए आए एकेडेमिया आए, और सिर्फ बायो बायोलॉजी और केमिकल साइंसेस की ना हो, और भी शोबों की हो। जैसे रेहान साहब खुद बहुत ज्यादा लिटरेसी का काम करते हैं, लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं, इसलिए रेहान साहब से भी हम चाहेंगे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो इनकरेज करती हैं लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए टुवर्ड्स अ ग्रेटर गोल, जो कि बेसिकली इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करेगा, बिजनेस वेंचर्स को सपोर्ट करेगा। तो इसका आइडिया ये है कि सिर्फ लोग तालीम से फायदा तो उठाएं उठाएं, लेकिन एक सोसाइटी में एक बड़ी लेवल पे एक इंडस्ट्री लगे और एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बने, जो कि एक्चुअल विजन भी डॉक्टर अता का भी विजन यही है। और आगे बढ़ने के लिए एक इंडस्ट्री अगर नॉलेज बेस्ड होगी तो ज्यादा ग्रोथ होगी, जैसे आप यूरोप में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, जापान में देखते हैं, सारे तरह की आपके मुल्कों में देखते तो ये इंक्यूबेटर है वो बेसिकली केमिकल इंजीनियर्स, केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्री एंड बायो मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, हैं। और इसकी जो साइज आपने कल मुझे बताया कि 20 एकड़ के ऊपर ये जगह होगी, जी, बिल्कुल एंड है, ये कब करेक्ट। कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगी इसकी? इसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ओ वाह, पार्क की अभी कुछ बाकी है, जो उसमें मेन इंक्यूबेशन का ऑफिस बनना है वो ऑफिस बन चुका है, और 1-1.5 महीने के बाद वो ऑपरेशनल ऑफिस होगा। लेकिन उससे पहले हमें जो मेन सपोर्ट और जो मेन असिस्टेंस हमारी ये होगी कि लोग आए आके हमें विजिट करें, इंडस्ट्री विजिट करें, आके हमें देखे, हमारे काम को देखे, और एक लिंकेज बन सके। विद दैट हम तो इनकरेज करेंगे दूसरे इंक्यूबेटर्स जो काम कर रहे हैं, बेसिकली पाकिस्तान में IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, साइंस बेस्ड सेक्टर में काम नहीं हो रहा उस तरह से, जिस तरह हम पायनियर्स हैं इस हवाले से कि हम साइंस बेस्ड कंपनीज बनाना चाह रहे हैं, जो कि एक बड़े लेवल पे एक चीज होती है जिसमें ज्यादा इक्विपमेंट वगैरह रिक्वायर्ड होती है। IT का काम भी हो सकता है इधर, लेकिन ये है कि अभी फोकस जो है वो इस उस पे है कि लोग आके मिलें, कोलेबरेशन हो, बातचीत हो, ट्रेनिंग हो, अवेयरनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप की एक जज्बा लोगों का बिजनेस का ज्यादा बढ़े, तो हम इनकरेज करेंगे लोगों को हमारे जबरदस्त। साथ। तो आप इस पूरे इन प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं? जी, मैं आई मैनेज द इंटायर इंक्यूबेशन सेंटर। जबरदस्त, तो आप इसका नाम क्या रखा है आपने इंक्यूबेशन सेंटर का? इंक्यूबेशन सेंटर का इस वक्त तो नाम है कराची यूनिवर्सिटी का ICCBS,
टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर एंड इंडस्ट्रियल पार्क, देयर इज नो स्पेसिफिक नेम तो नहीं है इसका, ये पूरा एक इसका जेनरिक टेक्नोलॉजी सेंटर है बेसिकली, इंक्यूबेशन सेंटर। सही है, जबरदस्त। तो अगर कोई भी साथी जो सुन रहे हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लें, राइट? श्योरली वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं, स्काइप मुझे कर सकते हैं, मैं फेसबुक पे थ्रू रिहान साहब के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रिहान साहब के थ्रू भी कॉन्टेक्ट ना करवाएं, फेसबुक पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लें। दूसरा ये कि अज़फर, इसके अंदर जो कॉस्ट आएगी, एक फर्स्ट करें मैं अपनी कंपनी खोलता हूँ या आपको, आप मुझे वहां पे होस्ट करते हैं, तो क्या आप मुझसे पैसे लेंगे या मुझे पैसे देंगे, क्या फैसिलिटीज देंगे, सिवाय इसके कि आपने मुझे कल बताया कि आपकी जो इक्विपमेंट है वो यूज कर सकेंगे, उसके अलावा क्या फैसिलिटीज यहाँ पे कंपनी खोलने की होंगी? जी, इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। एक तो मॉडल ये है कि एक कंपनी ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड हो और वो हमारे साथ R&D में हमारे साथ हिस्सेदार हो रही हो, तो वो आके हमारी R&D सर्विसेज ले सकती है। उसमें एक पूरी एक अरेंजमेंट बन सकती है, वो क्या रेशो से बिजनेस की पूरा बिजनेस प्लान बनेगा उस पर फिर बात हो सकती है। एक तो ये है, टेनेंट्स आ सकते हैं, लोग आके हमारे स्पेस यूज कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं। विद दैट अगर लोग चाहें तो आके हमारे साथ, अगर कोई एंजल इन्वेस्टर या कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हमारे साथ इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो हमारे साइंटिस्ट की नॉलेज पे आके कंपनी स्टार्टअप बना सकते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। विद दैट हमारा अपना सीड कैपिटल हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो उन वेंचर्स के लिए है जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। उसमें हमें इसमें इंक्यूबेशन सेक्टर में हमें बेसिकली जो हर जगह होता है जरूरत होती है एक अच्छे लीगल स्ट्रक्चर की, और विद दैट बैंकिंग सर्विसेज की जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो सिस्टम को ऐसा बनाते हैं कि ये जो इंक्यूबेट करके कंपनीज जो आगे निकले वो फिर सस्टेनेबल हो। आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के पास आइडियाज आते हैं, लेकिन उसको सस्टेनेबल बनाना है। हमारा फोकस ये है कि हम लोगों को जगह भी देंगे, इक्विपमेंट भी देंगे, लोग आके हमारे साथ जो आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट है हमारे उसमें अगर किसी का इंटरेस्ट है तो उसमें फंडिंग की भी बात हो सकती है, और हर तरह से टेंडेंसी लेवल पे भी बात हो सकती है, रिसर्च की कोलैबोरेशन पे भी बात हो सकती है, और शेयरिंग ऑफ नॉलेज पे भी बात हो सकती है, डिफरेंट मॉडल्स पे बात हो सकती है। वो बिल्कुल स्टार्टअप का अगर किसी का आइडिया है तो उस पर भी बात हो सकती है, वंस वो प्लान हमसे शेयर हो हम उनसे बात करें, हम जो भी इम्प्लीमेंटेबल चीज होगी वो उसपे डिफरेंट मॉडल्स बन सकते हैं। मतलब वन स्पेसिफिक मॉडल पे काम वैसे भी कहीं भी नहीं होता, हमारे यहाँ भी नहीं हो रहा। हम वी आर ओपन टू ऑल आइडियाज, ऑल काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, दे कैन यूज आवर प्लेस, एंड उसके लिए मैं सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट ये चाहूंगा कि लोग आके विजिट करें मुझे, कराची यूनिवर्सिटी में आए, ICCBS में आके विजिट करें, हमारी फैसिलिटीज देखें, मेडिकल रिसर्च के लोग देखें, केमिकल साइंसेस के लोग देखें, स्टूडेंट्स देखें, बिजनेसमैन देखें, एवरीवन इज इनवाइटेड, और मुझसे वो प्रायरली मिलके देख सकते हैं फैसिलिटी, और जिस तरह की भी उनकी सर्विसेज वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहें हम बिल्कुल राजी हैं उसके लिए। अच्छा, इसकी कोई वेबसाइट बनी हुई है आपकी जिसको हम जाके विजिट करें कि ये आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी, हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है iccs.edu। सही है, और इसकी कोई जो इंक्यूबेटर है उसकी अपनी कोई वेबसाइट? इंक्यूबेटर की अपनी वेबसाइट इस वक्त नहीं है, उसका अपना जो प्रोजेक्ट्स है हमारे IAC के हवाले से और बायो इक्विवेलेंस सेंटर के हवाले से, दे आर ऑल प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर के अपने ही सर्विसेज के हैं, IAC इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर और बायो इक्विवेलेंस सेंटर एट ICCBS, ये दोनों हमारे ही प्रोजेक्ट्स की सर्विसेज हैं, तो दे कैन विजिट द वेबसाइट एंड नो बेटर अबाउट द प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच अज़फर भाई फॉर टेकिंग द टाइम, एंड हमारे सब लोगों को पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अता भाई का और सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये बनाने के लिए, एंड आई होप के लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और इंटरनेशनल ऑडियंस भी भरपूर फायदा उठाएगी। आई विल ट्राई कि हम इसी तरह का एक आपका इंटरव्यू दोबारा इंग्लिश में भी करें जाके ग्लोबल ऑडियंस इससे फायदा उठा सके।
डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली, थैंक यू.